मुख्य चुनाव आयुक्त का प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने सुना और चुनाव का शेड्यूल तो आ गया है। और कुछ जो सवाल जब सवाल जवाब हो रहे थे तो नेशनल हेराल्ड की जर्नलिस्ट और भी जर्नलिस्ट ने जो सवाल पूछे उसका जवाब मुख्य आयुक्त चुनाव आयुक्त नहीं दे पाए, ईवीएम पर सवाल का जवाब नहीं दे पाए हैं। और पिछले चुनाव में देखा गया कि अमित शाह जी और मोदी जी ने तमाम मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का अवहेलना किया, एक नोटिस नहीं दिया गया। तो मुझे चुनाव आयोग की निष्पक्षता के ऊपर संदेह है, क्योंकि इन दोनों का जवाब आज दिया नहीं। सर, ईवीएम को लेके भी बड़ा शायराना अंदाज में चुनाव आयोग ने जो है टिप्पणी की कि वफा हमसे खता किसी और से, इस तरीके की बात उन्होंने कर रहे थे। आप लोग ईवीएम पर लगातार आवाज भी उठा रहे हैं। जब सवाल नहीं लेंगे और उसका जवाब नहीं देंगे तो मजाक उड़ाएंगे। मई से लेकर के अभी तक ईवीएम पर हम लोग सवाल टाइम मांग रहे हैं इलेक्शन कमीशन का, उसका तो जवाब उन्होंने दिया नहीं। तो चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त ने वहाँ पर मजाक उड़ाया है, सराहना अंदाज में इसका जवाब दिया है, जो तथ्य से या जो प्रश्न पूछा है उसका जवाब दिया ही नहीं। सर, दिल्ली में भी चुनाव का ऐलान हुआ है, कितने आश्वस्त हैं आप दिल्ली में? चुन्नी में 7ों सीटें हम जीतेंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मजबूती से लड़ेंगे और हम जीतेंगे।